हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसिस चैप्टर नंबर 7 डी फार्म फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम लोग अभी तक कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसी का पार्ट बी है चैप्टर नंबर 7 का, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। आयुर्वेदा के कुछ फॉर्मुलेशंस कैसे बनते हैं वो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अरिस्ता एंड असावा, है ना। तो दोनों की प्रिपरेशन लगभग सेम है, सिर्फ एक अंतर होता है, बनते सेम तरीके से हैं। तो आप समझते हैं अरिस्ता एंड असावा को। तो देखो जरा क्या बोल रहा है ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो कह रहा है आयुर्वेदिक मेडिसिन आर बेस्ड ऑन प्लांट्स एनिमल, किसके ऊपर बेस्ड होती है? प्लांट्स के ऊपर बेस्ड है, एनिमल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एंड मिनरल्स। या तो एनिमल एक्सट्रैक्ट, एनिमल एक्सट्रैक्ट मतलब एनिमल का कोई अर्क हो सकता है, एनिमल का क्या हो सकता है, कोई अर्क हो सकता है, ठीक है ना। प्लांट हो सकता है, एनिमल का एक्सट्रैक्ट हो सकता है, या प्लांट का एक्सट्रैक्ट हो सकता है, मिनरल हो सकते हैं, बोथ या दोनों हो सकते हैं, इन ए सिंगल मिनरल्स, बोथ इन सिंगल इंग्रीडियंट ड्रग एंड कंपाउंड फॉर्मुलेशन, ठीक है ना। ये दोनों पाए जा सकते हैं सिंगल इंग्रीडियंट ड्रग, या तो एक किसी एक ही चीज का बना हुआ ड्रग हो सकता है, या कंपाउंड फॉर्मुलेशन हो सकता है, कई चीजों का मिक्सचर बना करके ड्रग बन सकता है। हाउएवर, हालांकि आयुर्वेदा डज नॉट रूल आउट एनी सब्सटेंस फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदा किसी भी चीज को रूल आउट नहीं करती है, वो ये नहीं मानती है कि उसका कहना है, मतलब इंडेक्स कोई भी सब्सटेंस, ठीक है ना, एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ मेडिसिन हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस। इनके अलावा भी कोई सब्सटेंस जो नेचर में पाए जा रहे हैं वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ मेडिसिन हो सकती है, आयुर्वेदा इसको मान के चलती है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और बातें जनरल समझ लें। आयुर्वेदिक कंपाउंड फॉर्मुलेशंस आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। कंपाउंड्स की फॉर्मुलेशन है दो ग्रुप में बांटी गई है, ठीक है, कास्ट औषधि और रस औषधि, ठीक है ना। प्रीडोमिनेंटली प्लांट ड्रग, जो कास्ट औषधि है उसमें प्लांट ड्रग होते हैं, रस औषधि है उसमें मेटल्स एंड मिनरल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अश्वरिस्ता, अवलेहा, ग्राफा, चूर्णा, तेला, ठीक है, तेल मतलब ऑयल रहता है इसमें। क्या रहेगी? भस्म रहेगी, पीस पीस कर बनाते हैं, पिस्ती रहेगी, लोहा रहेगी, कपी कपी बड़कवा रहेगी या रसायना रहेगी, तो ये इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये डिवाइडेशन कर रखा है, प्लांट वाले यही होते हैं और मेटल वाले ये होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़े से और बड़े लेवल पे चले जाएं, आयुर्वेदिक ड्रग्स आर डराइव फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, एक्सट्रूड्स और प्लांट एज ए होल। कह रहा है आयुर्वेदिक ड्रग कहीं से भी मिल सकता है, प्लांट के किसी पार्ट से, रूट हो सकता है, पत्ता हो सकता है, फूल हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, एक्सट्रूड और फ्रूट एक्सट्रूड फ्रूट का निचोड़ हो सकता है, और पूरा का पूरा प्लांट हो सकता है। क्लियर है? बट ठीक है, एक बात क्लियर होगी यहां पर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये। ये हमारा आयुर्वेदा उसके हिसाब से डिवाइड कर रखा है कि कहां से हमको ड्रग मिल रहा है, लेकिन आजकल आयुर्वेदा को एक और तरीके से डिवाइड कर देते हैं, क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन। क्लासिकल मतलब जो पुराने हमारे बनाने के तौर तरीके हैं, या जो पुरानी किताबों में बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, उसे क्लासिकल कहा जाता है। और दूसरा है प्रोप्राइटरी, है ना। आजकल अब क्या है, पुराने के अलावा कुछ लोग नए तरीके ईजाद करने लगे हैं, नया फॉर्मुलेशन क्रिएट करने लगे हैं। तो क्या कह रहा है, दीज मेडिसिन आर प्रेजेंट इन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक। पुरानी जो टेक्स्ट बुक है सच एस चरक संहिता, है ना, इनमें जो तौर तरीके लिखे हुए हैं अगर उसके हिसाब से बनाते हैं तो क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन कहलाती है। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कंपनियां बनाने वाली है, फॉलो द सेम फॉर्मूला, वही फॉर्मूला अपनाती है जो किताब में लिखा हुआ है पुरानी, एंड प्रिपेयर मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल भस्मास, अश्वास, अरिष्टा, तैला, ठीक है, जो पुराने लिख के चले गए हैं किताबों में वही अपना रही है। अब प्रोप्राइटरी मेडिसिन, अब कंपनी ने अपना फायदा देखा, उन्होंने कहा कि पुरानी तो खैर नॉलेज लिमिटेड मतलब होती थी, आजकल टेस्टिंग वगैरह काफी ज्यादा हो सकती है, तो कुछ नए डोजेस फॉर्म भी ईजाद किए सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नए मिक्सचर से कुछ नए तरीके के फॉर्मुलेशन तैयार कर लिए हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज पेटेंट मेडिसिन। अब कुछ नया तैयार कर लिया, इतना ये मिला है, इतना ये मिला है, कुछ नया ड्रग बन गया जो किसी नई चीज को ठीक कर सकता है बीमारी को, और मॉडर्न आयुर्वेदिक मेडिसिन कहा जाता है। देयर फॉर्मूला डोजेस फॉर्म्स आर डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने आप से डिसाइड नहीं करेगी, वो कैसे डिसाइड करती है,
ठीक है, कैसे डिसाइड करती है क्लिनिकल ट्रायल्स, उसको मार्केट में लाने से पहले क्लिनिकल ट्रायल्स लेती है ना, लोगों के ऊपर यूज करेगी। तो कह रहा है डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड इंग्रेडिएंट यूज्ड इन दिस प्रिपरेशन आर नॉट फाउंड इन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक टेस्ट। जो इंग्रेडिएंट यूज किए जा रहे हैं इन प्रिपरेशन में, कुछ नई तरीके के केमिकल्स इन्होंने पौधों से निकाल लिए हैं, नए तरह के पौधे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पुराने टाइम पे शायद नहीं जाने जाते थे, वो अब क्या किए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एवरी कंपनी हैज इट्स ओन फॉर्मूला, हर कंपनी का अपना फॉर्मूला है, कंडक्ट करती है क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करती है, रिसर्च ऑन मेडिसिन रिसर्च करती है अबाउट इट्स एफिकेसी, कि कितना उसके अंदर क्षमता है। फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल्स एंड सिरप, पहले कैप्सूल्स कहाँ होते थे कहीं नहीं होते थे ना, अब होने लगे कैप्सूल, उस कैप्सूल में उतना चूर्ण भर दिया जाएगा या उतना दवाई भर दिया गया आयुर्वेदिक मेडिसिन, खा लो वो पेट में जाएगी, वो अपना इफेक्ट दिखाएगी। क्लियर है? चलें अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, कुछ जनरल बातें होंगी, थोड़ा सा नॉलेज जाना जरूरी है कि किस टाइप के फॉर्मुलेशंस होती हैं आयुर्वेदिक में, जब उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले जो अपने कोर्स में 7-8 दे रखे हैं उसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अरिस्ता एंड असावा के बारे में। क्लियर है? एक एक करके लेक्चर में डालेंगे, जिससे क्या रहेगा हमारे लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा। आयुर्वेदिक पैरामीटर्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असावा एंड अरिस्ता, आयुर्वेदिक पैरामीटर, आयुर्वेदिक क्या पैरामीटर लेके चलती है कि जब ये बना रहे हैं तो ये सब चीजें होनी ही होनी चाहिए। जो लिक्विड, अच्छा यहां से हम एक चीज दिमाग में डाल सकते हैं, ये किस रूप में मिलेगा हमको, लिक्विड के रूप में मिलने वाला है, किस रूप में मिलेगा, लिक्विड यानी सिरप वगैरह रहेगा, लिक्विड क्लियर होना चाहिए विदाउट एनी फ्रोथ, कोई झाग वगैरह उसके ऊपर नहीं दिखना चाहिए, प्लीजेंट एरोमेटिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल उसमें डाल देते हैं वो दारू की तरह गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए, उसका ऑर्डर अब अच्छा लगना चाहिए हमें, शुड नॉट हैव सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट नहीं होना चाहिए इसका, नो एफर्वेसेंस साउंड, बुलबुले छूटने की आवाज नहीं होनी चाहिए, एडिटिव, जो हमने उसके अंदर एडिटिव डाले हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, सिंक टू बॉटम, उसको जब बनाएंगे अभी मैं दिखाऊंगा, वो जैसे पानी तैयार किया है सिरप तैयार किया, वो सारा एक्स्ट्रा चीज जमीन में बैठ, मतलब उसमें बॉटम में बैठ जाए, ठीक है, सिंक टू बॉटम। बर्निंग कैंडल्स बर्न्स ब्राइटली व्हेन प्लेस्ड इन और जस्ट अबव द संदना पात्र, ये देखो अगर कैंडल को हम इसके आसपास जलाएं तो एक ब्राइटनेस की तरह जलना चाहिए, ये नहीं कि काला काला आसपास जले, देख पा रहे हो ना इसको, तो काफी ब्राइट जलता है ये इसकी पहचान होती है। अच्छा ये क्या चीज है, ये एक फूल है, अभी आगे हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात बताऊंगा मैं, धाता की पुष्प करके नाम होता है इसका। ओके तो फिलहाल ये क्लियर कट कंडीशन है, अगर आप आयुर्वेदिक ये बना रहे हैं अरिस्ता या सब है ना अभ्यारिष्ट, ये सब सुना होगा तुम लोगों ने, तो ये सारी कंडीशन है कि ये होनी चाहिए, अदरवाइज ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो हमारा स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। क्लियर है? ये स्टैंडर्ड है कंडीशंस। अब देख लेते हैं ये सारी कंडीशंस हो गई, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रिपरेशन पर कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो देखो प्रिपरेशन की बात करें तो क्रूड ड्रग, जो कच्चा पत्ते जो भी कुछ होगा ड्रग मेंशन इन द फॉर्मूला, जो फॉर्मूले में मेंशन है उसको ले आएंगे, चूरा करेंगे पीस पीस के, क्या कर लिया चूरा कर लिया। अब अंतर समझो, अगर अरिस्ता होगा तो डिकॉक्शन ऑफ पाउडर करवाएंगे, असावा होगा तो पाउडर ड्रग। अब क्या मतलब है इसका डिकॉक्शन, मतलब समझ रहे हो जैसे कि चाय पत्ती होती है खोला लेते हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें खोलाने के बाद उसका अर्क निचोड़ा जाता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे पाउडर को खोला लेंगे गर्म करेंगे और पाउडर का सारा अर्क निकाल जाएगा पानी के अंदर, तो डिकॉक्शन प्रोसेस कहा जाता है, गर्म करके खोलाया और उसका सारा अर्क निकाल लिया, यहां सिंपल पाउडर था पानी में घोल दिया असावा में, दोनों में अंतर समझ में आया, डिकॉक्शन लिखा हुआ लिख लो इसे, बॉइल करके किसी का अर्क निचोड़ लेना दैट इज कॉल्ड डिकॉक्शन, असावा सिंपल पाउडर डालेंगे और तैयार मेरा। अब यहां पर जो ठंडा कर लिया गया है उस लिक्विड को जिसके अंदर डिकॉक्शन तैयार है मेरा, ठीक है, यानी कि वो निचोड़ तैयार है और पाउडर जो घोल लिया है क्लियर, ठीक है, वो मेरा लिक्विड तैयार है, उन दोनों को ट्रांसफर करेंगे फर्मेंटेशन वेसल, जिस वेसल के अंदर हमें उसे फर्मेंट करवाना है। फर्मेंट का मतलब बेसिकली होता है सड़ाना, सड़ाना मतलब क्या होता है प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होगी और वो फर्मेंटेशन होगा, जब फर्मेंटेशन होगा तो उसके अंदर खास तरह के केमिकल्स बनेंगे जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, ठीक है, उस वेसल में डाल देंगे, उस बर्तन में डाल दिया, बर्तन में डालने के बाद शुगर जैगरी गुड़ या हनी उसमें डाल देंगे और हीट करेंगे ताकि ये सब आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाए, ठीक है। फॉर फर्मेंटेशन धतकी पुष्प, ये देखो धतकी पुष्प यही है वो धतकी पुष्प, ठीक है, यहां डाल दिया इसका डायग्राम, तो इस धतकी पुष्प को हम लोग डालते हैं इज एडेड, इसको हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, देन फ्लेवरिंग एजेंट
फ्लेवर स्वाद अगर हमें लगता है ऊपर बिगड़ सकता है तो कुछ फ्लेवरिंग एजेंट डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लिड को क्लोज कर देंगे। ये बर्तन ज़्यादातर क्या रहता है, ज़मीन में धंसा हुआ सा रहता है, ताकि ज़मीन का जो अर्थ का ऊपर का टेम्परेचर रहता है, खोद दो अगर ज़मीन थोड़ी सी कमरे के अंदर, तो उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा उस जगह को, है ना। बात समझ में आ रही है, एक तुमने जगह ली, खोद दी, उसमें हाथ डाल के रखो या थर्मामीटर लगा के रखो, तो टेम्परेचर लगभग लगभग क्या रहता है उसका, कांस्टेंट रहता है। तो अच्छा, ये जो यहाँ पे अर्थन द यहाँ पे जो वेसल होता है ना, ये वेसल कुछ और नहीं होता, गांव में जो मटकियां होती है ना, बस वही होता है वेसल। फिर उसकी लीड, उसका ढक्कन होता है, उसको बंद कर देते हैं, सील्ड एजेस विद क्ले स्मेयर्ड क्लॉथ। जो इस मटके का बर्तन होगा ना, सॉरी, हाँ, जो बर्तन होगा मटके का, उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, समझते हैं बात को, इसका ढक्कन बंद करेंगे, ठीक है ना, और इसके आसपास ना एक कपड़े से या डायरेक्ट क्ले मिट्टी लेंगे, इसके जो कोर होते हैं उसको अच्छे से लगा देंगे, या एक मिट्टी से लिसा हुआ कपड़ा लेंगे और इसके कोर को अच्छे से इस तरह से लपेट देंगे चारों तरफ से, ताकि एयर अंदर बाहर ना आ सके, ठीक है। तो क्लोज द अर्थन लिड, इसको बंद कर देंगे, ठीक है, और अर्थन लिड और सील द एजेस विद क्ले स्मेयर्ड क्लॉथ, ओके। फर्मेंट द, क्या बोल रहा आगे, फर्मेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसको लगभग एक समान टेम्परेचर पर रखना है, लगभग 1 से 3 महीने के लिए, इन डार्क प्लेस विदाउट मच सर्कुलेशन ऑफ एयर, हवा का बहुत ज्यादा यहाँ पे आदान प्रदान ना हो, डार्क कमरा रहेगा, बंद कर देंगे कमरे को, 1 से 3 महीने के लिए छोड़ देंगे। जब ये 3 महीने हो जाएंगे, फ्लूइड को डिकेंटेट किया जाएगा और फिल्टर किया जाएगा। डिकेंटेट का मतलब क्या होता है, डिकेंटेट बताऊं मैं, मान लो तुमने एक बीकर लो, उसमें क्या कर दो, पानी लिया और रेत घोल दिया, क्या घोल दिया, रेत, हिला दिया, रेत के कण चारों तरफ बैठे हुए हैं ये। अब 3 महीने जो रखा हुआ है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल होगा वो सब क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रेत जब धीरे धीरे नीचे पूरा बैठ जाता है ना, तो इसको ऊपर का जो फ्लूइड होता है उसको धीरे से कुरो लिया जाता है, तो हम कहते हैं हमने डिकेंटेट कर लिया, सॉल्ट पार्टिकल नीचे बैठ गया, ऊपर का फ्लूइड अलग आ गया, ठीक है, तो डेट इज डिकेंटेड। और जो ये फ्लूइड ऊपर का हमने अलग कर लिया, उसको फाइनली उसके अंदर कुछ रेशे वगैरह हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसको फाइनली फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद बोतलों में भरेंगे और सील्ड कर देंगे, और रेडी है ये किसके लिए, हमारे यूज के लिए, जिस किसी का भी हम लोग बना रहे होंगे उसके लिए अब ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो काफी आसान हो गया है कि क्या अरिश्ता और असावा दोनों का सेम आ गया, ठीक है ना, तो दोनों एक साथ कवर हो गया हमारे पास। ये इसी फॉर्मेट में लिख दोगे, नंबर कहीं नहीं जा रहे तुम लोगों के, ठीक है। तो अच्छे से ये टेबल को रिवाइज करें और रिवाइज करें, रिवाइज करने से चीजें अच्छे से याद होती हैं और दिमाग में सेट हो जाती है, क्लियर है। तो क्या करना है, रिवीजन करना है, ओके, ऑल द बेस्ट।